हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे तो भाई आज फिर आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया से गैजेट्स लेके आई हूँ जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे काम को बहुत ही आसान बना देते हैं और बहुत ही यूज़फुल होते हैं और इन गैजेट्स को आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं वहाँ पर आप इसका नाम डाल के और वहाँ पर वहाँ से बाय कर सकते हैं तो देखते हैं कौन कौन से गैजेट्स हैं तो सबसे पहले है ये सीड रिमूवर जिसका आप किसी भी फ्रूट के सीड्स निकालने के लिए इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और इजीली इसके सीड्स अलग हो जाएंगे उसके बाद है ये ड्रॉर हुक कई बार हमारे ड्रॉर के हुक निकल जाते हैं तो उसको खोलने बंद करने के लिए इस तरह के हुक का यूज़ कर सकते हैं आप कई बार हमारी ड्रॉ जो होती हैं वो खुलने लगती हैं अपने आप ही आ, और बंद नहीं होती हैं तो इस तरह के लॉक का यूज़ कर सकते हैं ये ड्रॉ लॉक आते हैं ये है एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र जो कि आपके आप अपने छोटे छोटे कपड़े रखने के लिए इनर गारमेंट रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत ही यूज़फुल है ये ये है मॉस्किटो कॉयल होल्डर इसको आप हैंग कर सकते हैं और ये है एक आइस मोल्ड इसके अंदर आप अपनी आइस जमा सकते हैं और इस तरीके से और ये है मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र जिसको आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारा सामान रखने के लिए इसको आप चाहो तो अपनी ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हो या फिर बाथरूम में यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है एक ही जगह पे काफ़ी सारे अटैचमेंट्स हैं इसके साथ में ये है स्पैचुला जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपना कोई भी सामान निकालने के लिए गरम तेल में से निकालने के लिए या फिर इसको आप एज़ अ विस्कर यूज़ कर सकते हो ये मल्टीपरपज़ स्पैचुला है ये है वेजिटेबल पीलर इसको आप उंगली में इस तरह से फंसा के अपनी सब्जियों को पील कर सकते हो फ्रूट्स को पील कर सकते हो बहुत ही यूज़फुल है छोटा सा है यह है एक स्टोरेज रैक जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने किचन के किसी भी कॉर्नर में अपनी सब्जियां रखने के लिए या और भी कोई छोटा मोटा सामान रखने के लिए यह है स्नैक्स मेकर आप पकोड़े वगैरह बनाते हो तो परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए यह है बहुत ही अच्छे बनते हैं ये है वेजिटेबल चॉपर इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट शेप के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की अपनी सब्जियां चॉप कर सकते हो अलग अलग तरीके से यह है की होल्डर इसके अंदर आप अपनी चाबियां टांग सकते हो ये कहीं भी चिपका सकते हैं आप ये है एक इलेक्ट्रिक कैटल जिसके अंदर आप अपना चाय कॉफ़ी बना सकते हैं या फिर पानी भी बॉयल कर सकते हैं तो ये है एक बॉटल ऑर्गेनाइज़र जिसको आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारी बॉटल को एक जगह रखने में बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि घर में काफ़ी सारी बॉटल इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको एक ही जगह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इस तरीके से होती हैं ये है कारपेट कवर अपने कारपेट को कवर करके रखने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है इस तरीके से इसको कवर करके आप कहीं भी रख सकते हैं ये है विंडो मॉस्किटो नेट टेप कई बार हमारी जो नेट होती है मॉस्किटो नेट वो कट जाती है बीच में से तो वहाँ पे इस टेप को हम लगा सकते हैं ईजीली ये हैंगर हुक इनको आप कहीं भी हुक कर सकते हो और इसमें कोई कोई भी सामान हैंग कर सकते हो यहाँ तक कि साइकिल में भी आप इसको हैंग कर सकते हो ये है स्पैचुला री आ, रेस्टर इसको आप यूज़ कर सकते हो खाना बनाते समय अपना स्पैचुला रखने के लिए या लिड रखने के लिए इस तरीके से तो आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा इसके बाद है ये प्यारा सा सोप केस जिसको आप कहीं भी आ, लगा सकते हो अपनी बेसिन के ऊपर या सिंक के ऊपर ये है प्रेस कुकी कटर इससे इसकी मदद से आप जो कुकीज़ हैं उनके अलग अलग बहुत डिफरेंट शेप बना सकते हो और यह है इलेक्ट्रिक नेल कटर इसकी मदद से आप अपने नेल्स कट कर सकते हो बहुत ही यूज़फुल है ये कई बार हम पॉलिथीन में इस तरह से बैग में सामान लेके आते हैं तो पकड़ नहीं पाते इसलिए ये बैग होल्डर है इसके अंदर आप काफ़ी सारे पॉलिथीन एक साथ रख सकते हो और यह है बच्चों का बाथ टब जो कि वो बहुत ही इंजॉय करते हैं जिसके अंदर तो इसको आप हवा भर के यूज़ कर सकते हो ये है कार बैग सीट हैंगर इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें हैंग कर सकते हो सीट के पीछे यह है टूथपेस्ट स्क्वीज़र इससे आप सारा पेस्ट यूज़ कर सकते हो यह है ड्रेन कवर इसको आप अपने बाथरूम की नाली पर रख सकते हो इसकी वजह से नाली बंद नहीं होगी उसमें कूड़ा नहीं जाएगा इसको आप सिंक में भी यूज़ कर सकते हो यह है की होल्डर इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स आते हैं इसकी वजह से आप काफ़ी सारी बोटल्स ओपन कर सकते हो बोटल ओपनर आता है इसमें या फिर कोई भी चीज़ अन रैप करने में यूज़ होती है इसमें तो ये काफ़ी यूज़फुल है ये है डोर स्टॉपर जिसको कि आप अपने डोर के नीचे यूज़ कर सकते हो और बहुत ही यूज़फुल है ये भी तो फ्रेंड्स यही था मेरा छोटा सा एक वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय